शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। लॉकडाउन के इस दौर में कवि सम्मेलनों पर जरूर प्रतिबंध लगा है, लेकिन काव्य साधना पर नहीं। बाहर लॉकडाउन पर भीतर काव्य साधना निरंतर सतत प्रवाहित हो रही है। कहना ना होगा कि इस लॉकडाउन में सभी कवियों ने अपनी रचना धर्मिता को और ज्यादा बढ़ाया है, रचना धर्मिता को अपनी पूजा और आराधना बना लिया है। आज जब पूरा विश्व इस महामारी के दौर से गुजर रहा है, कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है, आज पूरा देश इस गंभीरता को लेकर परेशान है, उस स्थिति में भी भारत जैसे देश ने इस पे कई जोक्स और मजाक का विषय बनाकर इसको बिल्कुल अपनी जिंदादिली को बचाए रखा है। और इसी जिंदादिली को बरकरार रखते हुए आज आई अपना इन बीसीएन और सिटी न्यूज चैनल आपके लिए, अपने लिए लेकर आया है हल्की फुल्की फुहारें ऑनलाइन। अपनी ये काव्य गोष्ठी है हल्की फुल्की फुहारें। आज इस काव्य गोष्ठी में हमने जिन कवियों को आमंत्रित किया है, और इस काव्य गोष्ठी में हमारे सभी आमंत्रित कवियों का और अपने सभी दर्शकों का इन बीसीएन और सिटी न्यूज चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर ममता मेहता हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हमने जिस कवियों को बुलाया है उनमें सर्वप्रथम है हमारे अमरावती के प्रसिद्ध कवि, व्यंगकार, कहानीकार और अनुवादक डॉक्टर भगवान वेद प्रखर। बालाघाट से आज हमारे बीच में जुड़े हैं श्री राजेंद्र जी सहज शुक्ल, जिनकी सहज रचनाएं हम सब ने देखी है। अमरावती में भी इन्हें हम एक बार बुला चुके हैं और हमें सब कि इनकी रचनाएं कैसी हैं। इसके बाद अमरावती के ही हमारे आमंत्रित कवि हैं श्री शंकर जी भूतड़ा, जिन्हें मारवाड़ी और हिंदी दोनों पर समान प्रभुता हासिल है। तो आज के इस काव्य गोष्ठी का शुरुआत करते हैं हम। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे कवि श्री भगवान वेद जी प्रखर को। स्वागत स्वागत है जी भगवान जी। मैं भगवान वेद प्रखर, और ममता जी ने परिचय दे ही दिया है, और शुरुआत करता हूं एक मुक्तक से। स्वागत है, स्वागत है। पुराने दिन पुरानी पुस्तकें निकाली, तो उनमें से कुछ सूखे हुए गुलाब निकल आए। क्या बात है सर, क्या बात। पुरानी पुस्तकें निकाली तो उनमें से कुछ सूखे हुए गुलाब निकल आए, और शीशी से इत्र की तरह उड़ चुके थे पुराने दिन। शीशी से इत्र की तरह उड़ चुके थे पुराने दिन। तुम्हारे फूलों को देखा तो परिंदों की तरह संधो हथेलियों पर उतर आए। पुरानी पुस्तकें निकाली तो उनमें से कुछ सूखे हुए गुलाब निकल आए, कुछ सूखे हुए गुलाब निकल आए। और एक छोटी सी रचना, शीर्षक है तुम्हारी याद। स्वागत। तुम्हारी याद क्या आई शंकर भाई जी जी तुम्हारी याद क्या आई एक सुरसुरी सी हुई रूह के आसपास। तुम्हारी याद क्या आई एक सुरसुरी सी हुई रूह के आसपास। मानो पारिजात के पेड़ से उतरकर गिलहरी गुजर गई हो पास से। वाह वाह, पारिजात के पेड़। वाह वाह। तुम्हारी याद क्या आई तुम्हारी याद क्या आई एक सुरसुरी सी हुई रूह के आसपास। मानो पारिजात पेड़ से उतरकर गिलहरी गुजर गई हो पास से। आंगन की बगिया में झूमने लगे चंपा चमेली के पौधे। वाह। आंगन की बगिया में झूमने लगे
चंपा चमेली के पौधे रोशन दानों में चहकने लगी, इत्र की वर्षा देर तक भीगती रही रात, इत्र की वर्षा में भीगती रही रात देर तक, एक याद कितना कुछ कर जाती है पल भर में, एक याद कितना कुछ कर जाती है पल भर में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या आज्ञा है जी सर? आगे पढ़े कि जी सर भी बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए पढ़िए सर। अच्छा, एक कविता है, शीर्षक है वसीयत। वसीयत 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 करने बैठा तो सहजता से लिख दिया मैंने, वसीयत करने बैठा तो सहजता से लिख दिया मैंने कि मेरे बाद मकान बेच दिया जाए। वसीयत करने बैठा तो सहजता से लिख दिया मैंने कि मेरे बाद मकान बेच दिया जाए और तीन हिस्से करके रकम तीनों संतानों में बराबर बांट ली जाए। वसीयत करने बैठा तो यह भी लिखते देर न लगी कि चौपैया बड़का ले लें, दोनों दुपहिया दो छोटे। वसीयत करने बैठा तो यह भी लिखते देर न लगी कि चौपैया बड़का ले लें और दोनों दुपहिया दोनों छोटे। बैंक बैलेंस, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज सबके बंटवारे की सूची बन गई। बैंक बैलेंस, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज सबके बंटवारे की सूची बन गई। बस बढ़िया सर, मुराद ये किताबें रह गई है। अच्छा, क्या बात है सर। मुराद ये किताबें रह गई हैं जी। कुछ संजो कर रखी हुई, कुछ अपनी, कुछ संजो कर रखी हुई जिनका कोई लेवाल नहीं और ये मन किसी को देवाल नहीं। करने बैठा तो बैंक बैलेंस, टीवी, फर्नीचर सबके बंटवारे की सूची बन गई। बस ना मुराद ये किताबें रह गई है, कुछ अपनी संजो कर रखी हुई जिनका कोई लेवाल नहीं, ये मन किसी को देवाल नहीं। सोचता हूँ कि मैं इन्हें मेरे साथ ही रख देना चिता पर। सोचता हूँ लिख दूं कि इन्हें मेरे साथ रख देना चिता पर, चश्मा टोपी लटिया के साथ, ताकि कोई यह न कहे कि ये पुराना पेड़ खुद तो जल गया पर अपनी जड़े जमीन में छोड़ गया है। मोबाइल इंटरनेट के जमाने में ये आदमी अपनी किताबें छोड़ गया है। क्या बात है। और आगे बढ़े मैडम सर, इसके बाद में नेक्स्ट के बाद में ओके नेक्स्ट कवि के बाद में जैसा भी रहता अपना। तो आपकी कविता बहुत अच्छी थी सर आज। वाकई में मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, बुक्स को तो शायद ही कोई हाथ लगाता है, लेकिन आपने ये हमारे दर्शकों को सूचना दी है कि किताबें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। मैं इस पे चार लाइन बोलती हूँ कि जिंदगी तेरे नखरों से बेहतर तो कुछ कुछ किताबें थी। जिंदगी तेरे नखरों से बेहतर तो कुछ कुछ किताबें थी जिन्हें देर से ही सही कुछ समझ में तो आता था। जिंदगी तेरे नखरों से बेहतर तो कुछ किताबें थी जो देर से ही सही कुछ समझ में तो आती थी। तो हमने अभी प्रखर जी को सुना, प्रखर जी ने अपनी रचनाओं से हमें किताबों का महत्व बताया। इसके बाद मैं आवाज दे रही हूँ चार पंक्तियों के साथ में। हमारे बालाघाट से आज हमारे बीच में कवि उपस्थित हैं कि पतझड़ को चुनौती दे बहारे जो सहज आए। पतझड़ को चुनौती दे बहारे जो सहज आए, धरा की प्यास बुझाती वो फुहारे जो सहज आए। और शुक्ल पक्ष की रात में अटकेलियां करते चांद की, शुक्ल पक्ष की रात में अटकेलियां करते चांद की, चांदनी से बह निकले धारे जो सहज आए।
स्वागत कीजिए। आज बालाघाट से हमारे बीच में है श्री राजेंद्र जी शुक्ल सहज। बहुत आदर से आमंत्रित करती हूँ। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। बहुत 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 धन्यवाद ममता जी, और निश्चित रूप से आज इस आपके जो प्रयास है उसमें सबसे पहले भगवान आए। वाह 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 सर, फिर तो देख लीजिए आगे भी भगवान ही है। आगाजी भगवान ने किया है कार्यक्रम, आगे भी भगवान ही है। सफल हुआ। बीच में सहज है ममता के आह्वान पे यहाँ पर उपस्थित है, और अंत में हमारे शंकर जी हैं। बिल्कुल सौभाग्य है, बहुत ईश्वरीय संयोग है। मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ INBCN सिटी चैनल को इस सार्थक प्रयास के लिए। साधुवाद देना चाहता हूँ INBCN और सिटी न्यूज चैनल। ठीक, वो थोड़ा सा नाम, लेकिन मेरे लिए पहला है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। अमरावती मेरे लिए वैसे मैं तो एक बार आ चुका हूँ ममता जी के आमंत्रण पर, और वैसे भी मैंने कुछ वर्ष वहाँ पे अपनी कर्मभूमि के रूप में यहाँ कार्य किया है, बताया था ममता जी को मजलेरा में। तो मैं सबसे पहले माँ वीणा पाणी को एक कृतज्ञता की दो पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ, आप सब पर ध्यान चाहूंगा। जो मेरी प्रसिद्ध पंक्तियां है कि मान प्रतिष्ठा यश गौरव माँ तू ही सब दिलवाती है। मान प्रतिष्ठा यश गौरव माँ तू ही सब दिलवाती है, लिखा नहीं है कुछ भी मैंने, तू ही सब लिखवाती है। मैं माँ को कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूँ कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे ये लेखनी अता की है। मैं आजीवन ऋणी हूँ। और चार पंक्तियां माँ इस धरती पर उपस्थित समस्त माताओं को समर्पित, गौ माता, धरती माता, भारत माता, चार पंक्तियां कि माँ की महिमा क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। ममता जी सुनिए जी सर, कि चित्र सारे विचित्र हो गए, चित्र सारे विचित्र हो गए, रिश्ते सारे पवित्र हो गए, चित्र सारे विचित्र हो गए, रिश्ते सारे पवित्र हो गए, और माने सर पर हाथ रखा तो, माने सर पर हाथ रखा तो दुश्मन सारे मित्र हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगा। मैं चार पंक्तियां, चूंकि जो दौर चल रहा है इस दौर में हमारे पास समय की सीमा है, तो कुछ विशेष मुक्तक और उसके बाद एक प्रतिनिधि गीत कि आज कोरोना वॉरियर्स अपना सब सबको घर जाने की 24 घंटे लगे हुए थे, देखा आप सब लोगों ने कितना संघर्ष किया। पुलिस वालों का दूसरा चेहरा आया, वो डॉक्टरों का दूसरा चेहरा आया, सफाई कर्मियों का एक अलग रूप हमने देखा। तो निश्चित रूप से मैं चार पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ। ढले सर गर्म दिन सारे, ढले सर गर्म दिन सारे, सुहानी शाम बाकी है। अभी आना है कि ढले सर गर्म दिन सारे, सुहानी शाम बाकी है, ढहे गम के ठिकाने सब, खुशी के धाम बाकी है। ढहे गम के ठिकाने सब, खुशी के धाम बाकी है, मगर मत बांधना मुझको मोहब्बत में अभी अपनी, मगर मत बांधना मोहब्बत में अभी अपनी, तमन्नाओ जरा ठहरो वतन के काम बाकी है, तमन्नाओ जरा ठहरो वतन के काम बाकी है। ये वतन के लिए उन्होंने अपने घर परिवार की तिलांजलि दी है, उनको शत-शत नमन करता हूँ। और इसी मुक्तक के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि जैसा ममता जी भी जानती है कि मैंने देशभक्ति ही कविताएं लिखी है, श्रृंगार भी बहुत लिखा है, लेकिन मेरा प्रिय विषय है, मैं उसी विषय पे आऊंगा। और आज हमें देश में सबको एक समरसता की जरूरत है, तो मैं चाहता हूं कि चार पंक्तियां मैं उन शहीदों के लिए, उन देशभक्त सैनिकों के लिए भी समर्पित करूं। आपको पिछले वर्ष 15 अगस्त का दिन याद होगा, और सौभाग्य से उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी था। मैंने उसी दिन एक कल्पना की थी कि एक भाई घर नहीं आ पाता है, सरहद पर अपनी देश की सेवा में लगा हुआ, जिसकी भावना क्या होती है। जी सर आइए स्वागत। खून से अपने लिखे जो खून से अपने, मुझे उस खत की चिंता है, लिखे जो खून से अपने, मुझे उस खत की चिंता है, शहीदों की धरा पावन, मुझे इस रज की चिंता है, शहीदों
की धरा पावन, पावन। मुझे इस रज की चिंता है, अगर मैं आ नहीं पाया तो मत नाराज हो बहना, अगर मैं आ नहीं पाया तो मत नाराज हो बहना, तुझे भाई की चिंता है, मुझे सरहद की चिंता है, तुझे भाई की चिंता है, मुझे सरहद की चिंता है। सैनिकों का जज्बा है और एक जज्बा और होता है, एक सैनिकों का और जज्बा होता है, हमें सैनिकों की शौर्य को सलाम करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उनकी हमें जब देश में कुछ लोग कुछ बातों का सबूत मांग लेते हैं, आप सियासी नेताओं से मांगो लेकिन सेनाओं से मत मांगिए कि आपने क्या किया, क्योंकि वो अपने देश के लिए समर्पित हैं और वो कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ कर पा रहे हैं। चार पंक्ति और समर्पित करना चाहता हूँ। जी सर, स्वागत है। बने सर ताज दुनिया का, बने सर ताज दुनिया का, यही अरमान जिंदा है, बने सर ताज दुनिया का, यही अरमान जिंदा है, कभी ये झुक नहीं सकता, यही अभिमान जिंदा है, कभी ये झुक नहीं सकता, यही अभिमान जिंदा है, वतन ये सरफरोशों का, वतन जिंदा दिलों का है, वतन जिंदा दिलों का है, वतन ये सरफरोशों का, यहाँ वतन ये सरफरोशों का, वतन जिंदा दिलों का है। मैं थोड़ा सा इसमें क्षमा कीजिएगा, एक पंक्ति बने सर ताज दुनिया का, यही अरमान जिंदा है, कभी ये झुक नहीं सकता, यही अभिमान जिंदा है, वतन ये सरफरोशों का, वतन जिंदा दिलों का है, वतन ये सरफरोशों का, वतन जिंदा दिलों का है, यहाँ हर एक दिल में बस ये हिंदुस्तान जिंदा है, वाह हर एक दिल में बस ये हिंदुस्तान जिंदा है। प्रतिनिधि गीत, उसके पहले मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, चीन ने भी बहुत सारी हमें चेतावनी बहुत हमारे सर पर चढ़ा आ रहा है, तो चार पंक्तियां कि हम 1962 के भारत नहीं है, मैं चार पंक्तियां उसको चेतावनी के रूप में कि हम पानी के दरिया हैं, हम पानी के दरिया हैं, पत्थर से टकरा जाएंगे, हम पानी के दरिया हैं, ड्रैगन से टकरा जाएंगे, चट्टानों को चूर चूर कर मिट्टी में मिलवाएंगे, चट्टानों को चूर चूर कर मिट्टी में मिलवाएंगे, और किसमें है औकात बताए जो हमसे टकराएगा, किसमें है औकात बताए जो हमसे टकराएगा, रो में अपनी याद आए तो हम चीन भा ले जाएंगे, तत्कालीन परिस्थितियों पे सर बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं, बहुत 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 धन्यवाद। अगर इजाजत हो तो एक प्रतिनिधि की 3 मिनट का, बिल्कुल सर, तो एक मैंने मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं जब भी कोई श्रृंगार या कुछ अन्य विषयों में लिखता हूँ तो मेरी कलम देशभक्ति के गीतों पे जाती है, चार पंक्तियां निवेदित करते हुए सीधी सीधे प्रतिनिधि गीत पे, वो भी आह्वान का गीत है। आपका श्रृंगार देशभक्ति से ही रिलेटेड है। जी मेरा श्रृंगार मैं देशभक्ति से ही है। जी मैं भारत माता का श्रृंगार करता हूँ, बस यही बात है, अपने गीतों से अपने शब्दों से, तो चार पंक्तियों के साथ अपना प्रतिनिधि गीत आह्वान गीत देश के युवाओं से कि मैंने ममता जी मैंने भी कुछ गीत लिखे थे, मैंने भी कुछ गीत लिखे थे लैला मजनू हीरों पर, मैंने भी कुछ गीत लिखे थे लैला मजनू हीरों पर, जुदाई प्रीत लिखी थी प्रेम डगर की पीरों पर, मैंने भी कुछ गीत लिखे थे लैला मजनू हीरों पर, मिलन जुदाई प्रीत लिखी थी प्रेम डगर की पीरों पर, भारत माँ की आन बान पर जब शीश कटाया बेटों ने, भारत माँ की आन बान पर जब शीश कटाया बेटों ने, कलम निछावर कर दी अपनी देशभक्त रणवीरों पर, कलम बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और एक सच में यही हो रहा है। एक आह्वान गीत मैं सब लोगों से, देश के तमाम, इस देश के नागरिकों से आह्वान गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि सत्यनिष्ठ बन कर्मठ योगी गुरुओं का सम्मान करो, सत्यनिष्ठ बन कर्मठ योगी गुरुओं का सम्मान करो, निज संस्कृति निज गौरव का निष्दिन अपने नाद करो, और संकल्प धरो इस अंधकार में मानवता हो ज्योतिर्मय, कलुषित भावों का मर्दन कर सुरभित हिंदुस्तान करो, कलुषित भावों का मर्दन कर सुरभित हिंदुस्तान करो, और उस श्रृंखलता त्याग करें, उस श्रृंखलता त्याग करें संस्कारों का महिमा मंडन, विद्वत्ता ही रहे विभूषित, सतत करो अज्ञान विखंडन, समरसा भाव हो पोषित, मूल रहित हो कूट कपट, अनुशीलन हो परंपरा का करो पाप का निखंडन, दिव्य धरा इस देव भूमि का दिग्विजयी दिन मान करो,
कलुषित भाव का मर्दन कर सुरभित हिंदुस्तान करो, कलुषित भाव का मर्दन कर सुरभित हिंदुस्तान करो। और हिंदी के विद्वान बैठे हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग देखिएगा आगे आने वाले दो बंदों में। जी सर। कि भूषण भद्र भू भानुमयी नभ भ्रमर गान से गुंजित हो, भूषण भद्र भू भानुमयी नभ भ्रमर गान से गुंजित हो, कोमल कोपल कुसुम कुमुदनी कोकिल कूप से कुंजित हो, मधुर मनोहर मधुमासी हर मौसम ही मन भावन हो, अंतकरण हो आलोकित तरु अंतर मनन गुंजित हो, भव्य भारती भरत भूमि पर भाल धरो अभिमान करो, कलुषित भावों का मर्दन कर सुरभित हिंदुस्तान करो, कलुषित भावों का मर्दन कर सुरभित हिंदुस्तान करो। और नवल नील नव भारत, नवल नीड नव भारत में नव गीत बने नव छंद बने, नवल नीड नव भारत में नव गीत बने नव छंद बने, विश्व गुरु की वसुंधरा पे विद्या के बने, पीतांबर की पुण्य धरा पर प्रेम पताका फहराए, भारत माँ के हर बेटे फिर आज विवेकानंद बने, भारत माँ के हर बेटे फिर आज विवेकानंद बने, सत्य सनातनियों पर शीश झुका सम्मान करो, कलुषित भावों का मर्दन हिंदुस्तान करो, कलुषित भावों का मर्दन कर सुरभित हिंदुस्तान करो। ममता जी आपके लिए समर्पित ये बंद कि भारत माँ, भारत भारत माँ की हर बेटी भी झांसी वाली रानी हो, भारत माँ की हर बेटी भी झांसी वाली रानी हो, शिव शंकर के शीश विराजित गंगा जैसा पानी हो, भारत माँ की हर बेटी भी झांसी वाली रानी हो, शिव शंकर के शीश विराजित गंगा जैसा पानी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सुभाष चंद्र से वीरों सी, स्वातंत्र समर के हर वीरों सी हर बेटी बलिदानी हो, आजादी के दीवालों का गर्वित हो गुणगान करो, कलुषित भावों का मर्दन कर सुरभित हिंदुस्तान करो। और अंतिम बंद चेतावनी आह्वान समस्त नागरिकों से कि धीर वीर गंभीर बड़ो अब आंख न कोई उठ पाए, धीर वीर गंभीर बड़ो अब आंख न कोई उठ पाए, आंख लगाने घात लगाने वाला हम पर शत्रु न कोई बच पाए, धीर वीर गंभीर बढ़ो अब आंख न कोई उठ पाए, घात लगाने वाला हम पर शत्रु न कोई बच पाए, पार्थ आहुति दो प्राणों की प्रण प्रतिपल यह याद रहे, भले कटे या शीश मगर न भाल भारती झुक पाए, भले कटे या शीश मगर न भाल भारती झुक पाए, भारत माँ की आन बान पर जीवन यह बलिदान करो, मर्दन राजन जी बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई है, श्लेष का श्लेष अलंकार का क्या बढ़िया प्रयोग किया है, और ओज का मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को सभी को कि अपने तखल्लुस के अनुसार ही अपने काव्य में सहजता रही है राजन जी की, और श्रृंगार तो ठीक है ओज के ये बहुत ज्यादा अच्छे कवि है, मैं इनको पहले भी सुन चुकी हूँ, और अपनी सहजता से ही सभी विषयों को अपने काव्य में समाहित करते हुए ये प्रवाहित करते हैं सहजता से, तो आपने भी जैसे सुना सहज जी आपकी बहुत बढ़िया कविता रही है, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आप बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़े हैं, ऐसे ही हमको और भी बहुत सारी प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, अभी भी हमारे पास में और प्रविष्टियां हैं, हम अगले एपिसोड में हम उनको लेने का प्रयास करेंगे, आप भी और दर्शकों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप भी इस कवि काव्य गोष्ठी में इस कवि सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं, तो अपनी प्रविष्टियां अपने नाम या अपने ऑडियो वीडियो कैसेट हमें भेजिए सीडी चैनल के एड्रेस पर, तो हम आपको भी जोड़ेंगे इस कार्यक्रम से, मेरा सौभाग्य ये आपका ठीक है हमारा भी सौभाग्य, लेकिन बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़े, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेट से भी हम कवियों को जोड़े, तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप अपने ऑडियो वीडियो जैसा कि मैंने अभी बोला है आप इनको भेजिए, हम जरूर इन्हें अपने कार्यक्रम में स्थान देंगे, और हमारा जो ये कार्यक्रम है हल्की फुल्की फुहारे, ये आज के इस दौर में हम बहुत ज्यादा गंभीर विषय गंभीरता के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हल्की फुल्की फुहारे हमें मिलती है राजन जी जैसे गीत प्रखर जी जैसे अगर वक्ता हमें मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, अभी हमें कवियों को कवि को सुनना बाकी है, अब हम बढ़ते हैं हमारे भूतरा जी की तरफ, ये मारवाड़ी और हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं, क्या बात, स्वागत स्वागत, कल जब इनसे बात हो रही थी फोन पे तो आत्मनिर्भर भारत का भी काफी चर्चा चल रही है, मोदी जी हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जब मैंने इनसे पूछा कि आत्मनिर्भरता के बारे में आपका क्या ख्याल है, इन्होंने तुरंत से बोला तू थारी जान मैं मारी जानू यही है आत्मनिर्भरता, भारत की आत्मनिर्भरता यही है, तू थारी जान और मैं मारी जानू, ऐसे हमारे कवि शंकर भूतरा सर जिनके तो नाम में ही भगवान है, एक भगवान वेद प्रकार जैसे राजन जी ने बोल ही दिया है, भगवान जी और एक शंकर जी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ शंकर जी भूतरा को कि वो आए और अपने पिटारे में से निकाले, आज आपके पिटारे में से हमारे लिए क्या क्या है, आइए शंकर जी भूतरा। नमस्कार, देखिए ये कोरोना काल चल रहा है
और इस काल में हम सारे व्यक्ति जो है घर में नजरबंद जैसे बैठे हैं, और उस नजरबंद के कार्यकाल में केवल चैनल को देखना और अपने पसंद के जो एपिसोड आ रहे हैं उसको देखना या घर में बैठकर अपनी तुपनी बातें करना, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे समय में ही हमारे चंदू भाई सोजतिया जी ने और ममता जी ने एक नई योजना लाई और ये जो कार्यक्रम लिया इसके लिए बहुत धन्यवाद उनको। चार पंक्तियां वहां से चालू करता हूँ कि देखिए सब अपने आप में व्यस्त हो, भले ही ढाई घंटे ढाई महीने तीन महीने लोग जो है अपने घरों में होंगे, लॉकडाउन में बैठे होंगे, मगर फिर भी वो अपने आप को व्यस्त बताते रहे। तो वहां से है किसे फुर्सत, इस व्यस्त से जीवन में थोड़ा वक्त आपका उधार चाहिए। ये जो श्रोता वर्ग इस थोड़े से वक्त में हम अगर आपके लिए कुछ कर सके, कुछ मनोरंजन कर सके, कुछ अच्छे विचार दे सके तो हम अपने को धन्य समझेंगे कि है किसे फुर्सत, इस व्यस्त से जीवन में थोड़ा वक्त आपका उधार चाहिए कि जिंदगी गुजर रही गुजर ही जाएगी, जिंदगी गुजर रही गुजर ही जाएगी, जीने में मगर कुछ सार चाहिए, जीने में कुछ मगर सार चाहिए कि नेकी बदी क्या है ये खुदा ही जानता, नेकी बदी क्या है ये खुदा ही जानता, आदमी का नेक व्यवहार चाहिए, आदमी का नेक व्यवहार चाहिए कि आपने बुलाया तो आना ही पड़ा है, आपने बुलाया तो आना ही पड़ा है, महफिल माहौल खुशगवार चाहिए, और आज हम मिले हैं बिछड़ भी जाएंगे, आज हम मिले हैं बिछड़ भी जाएंगे, यादों के झरोखे से दीदार चाहिए, यादों के झरोखे से दीदार चाहिए, है किसे फुर्सत, इस व्यस्त से जीवन में थोड़ा वक्त आपका उधार चाहिए, थोड़ा वक्त आपका उधार चाहिए। तो इस उधार व्यक्त में हम आपको कुछ दे के जा रहे हैं, एक रचना जो अभी कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, ये सब कुछ है आप जानते हैं अच्छे से, मगर कोरोना कैसे आया, कहाँ से आया और कोरोना की जो त्रासदी है या कोरोना में मुझे जो मिला मैं जानता हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत है। हाय रे कोरोना, तू अचानक कहाँ से कैसे आया ये कोई भी समझ नहीं पाया। अच्छा। हाय रे कोरोना, तू अचानक कहाँ से कैसे आया ये कोई भी समझ नहीं पाया। हाँ, ये चर्चा है कि मिस्टर ट्रंप तुझे भारत को भेंट स्वरूप दे गए। हाँ, ये चर्चा है कि मिस्टर ट्रंप तुझे भारत को भेंट स्वरूप दे गए या फिर यहाँ से तोहफा समझकर तुझे अपने साथ अपने देश ले गए। वाह, बहुत बढ़िया। या फिर यहाँ से तोहफा समझकर अपने देश तुझे अपने साथ ले गए, तू सुपर पावर देश में जाकर सुपर स्पीड से बढ़ने लगा। क्या बात है, क्या बात है, तू सुपर पावर देश में जाकर सुपर स्पीड से बढ़ने लगा और इधर भारत में भी बीमारी का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। क्या 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 बात है सर। ये देख, मोदी जी ने एकाएक लॉकडाउन जाहिर किया, ये देख मोदी जी ने एकाएक लॉकडाउन जाहिर किया, सच कहूं इस लॉकडाउन ने हमें बहुत दुख दिया, सच कहूं इस लॉकडाउन ने हमें बहुत दुख दिया, फिर प्रधानमंत्री जी ने दो गज की दूरी बहुत है जरूरी ये संदेश दे दिया, फिर प्रधानमंत्री जी ने दो गज की दूरी बहुत है जरूरी ये संदेश दे दिया, तो आदरणीय श्रीमती जी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। तो श्रीमती जी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया, अब वह मुझे बात बात पर दो गज की दूरी की याद दिलाती है। अब वो बात बात पे मुझे दो गज की दूरी की बात बात याद दिलाती है, न मुझे पास आने देती और न ही पास आती है। बढ़िया, समझ सकते हैं सर आपका दर्द। बहुत अच्छा। ना मुझे पास आने देती और ना पास आती है। मैंने कहा मैडम लॉकडाउन और दो गज की दूरी ये घर में नहीं जरूरी। मैंने कहा मैडम लॉकडाउन और दो गज की दूरी ये घर में नहीं जरूरी। इस पर मैडम बोली कि कोरोना को अगर भगाना है भगाना
कोरोना को है अगर भगाना तो होगा इसी तरह समय बिताना, होगा इसी तरह समय बिताना, होगा इसी तरह समय बिताना। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कोरोना को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आपने अपनी रचना बहुत अच्छा रख दी है। अपना दर्द, अपना दर्द सर उन्होंने व्यक्त कर दिया है, सर अपना दर्द उन्होंने व्यक्त कर दिया, आप लोग व्यक्त नहीं कर पाए हैं आपको भी व्यक्त करने की कुछ हम उम्र में जब मिल जाते हैं, अपने वाले लोग मिल जाते हैं, आप बीती तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर, सही है सर। इस लॉकडाउन में और कहीं तो किसी को बोलने का मौका मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर भगवान है, शंकर शंकर भगवान है, इसलिए उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, घर में बैठ के बोल रहे हैं वो ये वाली बात। इसके बाद भी उनको बाद में भी उन्हीं के पास रहना है। तो एक रचना जो इसके अंदर जो मैं है, ये मेरी रचना एक थोड़ी पहले कुछ लिखी हुई है, मगर ये उस रचना जो अभी हुई जिसमें मैंने अपना दर्द व्यक्त किया कि न पास आने देती है न पास आती है जी। और आखिरी में जब उसने एक शब्द वापर लिया कि अगर कोरोना को है भगाना तो इसी तरह होगा समय बिताना जी सर, तो ये जो है हम सुनते हैं, हम देखते हैं, आप सब जानते हैं कि भारतीय पति जो है अपने पत्नी से क्यों डरते हैं। जो शादी शुदा है उनके ऊपर बीतती आई होगी और उसमें ऐसा होता होगा लोगों के साथ में, मुझे नहीं मालूम, मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ ये सारी बातें। अच्छा अच्छा ठीक है, मान लिया। तो ये क्या हो रहा है कि भारतीय पति अक्सर अपनी पत्नी से डरते हैं, लोग उनको जोरू का गुलाम कहते हैं। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया, मगर मैंने बोला कि अगर ये सारी समस्या है अगर हमारे पतियों के साथ, तो इसपे खोज कौन करना चाहिए। और मैंने एक शोध किया बड़े दिनों बाद में, और वो शोध आपके सामने रख रहा हूँ। आदरणीय हमारे कवि जो आए बालाघाट साहब के, उनको भी जानकारी देता हूँ, वो भी इसी दौर से गुजर रहे होंगे कि मैंने एक शोध किया है जी और जनता को नई बात दिया है। मैंने एक शोध किया है और जनता को बता दिया है कि अक्सर भारतीय पति पत्नी से क्यों डरते हैं, अच्छे खासे भी उनके सामने पानी क्यों भरते हैं। तो लड़की जब तक कुंवारी रहती है एक अकेली कहलाती है, पर जैसे ही सात फेरे खाती अपने नाम के सामने 100 लगाती है। सही बात। लड़की जब तक कुंवारी रहती है एक अकेली कहलाती है, पर जैसे ही सात फेरे खाती है अपने नाम के सामने 100 लगाती है, अर्थात 100 के बराबर वो एक हो जाती है। सही बात। अर्थात 100 के बराबर वो एक हो जाती है, तो आप ही बताइए कि क्यों ने बेचारा ये पति डरे और 100 के सामने अकेला क्या करे, 100 के सामने अकेला क्या करे, 100 के सामने अकेला क्या करे। बढ़िया है सर, बढ़िया है। ये देखिए, मैं भी इस बात के से अग्री हूँ। आप जब आपकी शादी हुई थी, जब आप शादी करने गए थे, तो मुझे ये बताइए कि आप कितने लोग साथ लेकर गए थे, आपके साथ बराती कितने थे? मैं 100 लेके गया। देख लीजिए, देख लीजिए, 100 बराती लेके गए थे। प्रखर जी भी कम ज्यादा इतने ही ले गए होंगे, सहज जी भी इतने ही ले गए होंगे, लेकिन लेकिन हमारी भाभी जी वो अकेली ही आपके साथ चली आई थी। देखिए आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप। नहीं तो अब तो अब क्या वो 100 का बदला, 100 के हिसाब में कितने 50 साल हो गए, 49 साल मुझे हो गए 9 जून को, तो ये 100 का उनसे गुनीला कर लो तो कितना हो गया। मैं अरे सर वो बहादुर थी, वो आपके साथ चली आई, वो बहुत अच्छा हुआ। चलिए, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल का सभी है, आप लोगों ने भी कोरोना के उस पर लेके करिए, मैं 4 पंक्तियां अपनी इस पे देती हूँ। स्वागत स्वागत कि गुलशन गुलशन महकेगा उम्मीद नहीं टूटे, गुलशन गुलशन महकेगा उम्मीद नहीं छूटे, ख्यालों में ही हो भले पर दीद नहीं छूटे। गुलशन गुलशन महकेगा उम्मीद नहीं छूटे, ख्यालों में ही हो भले पर दीद नहीं छूटे, और रोशन रहे चांद हमेशा हम सबके आंगन में, रोशन रहे चांद हमेशा हम सबके आंगन में, बाजी एक न हारेंगे हम ये जिद नहीं छूटे, बाजी एक न हारेंगे हम ये जिद नहीं छूटे। तो सर मैं इसके बाद में और सुना सकती हूँ क्या, एक अपनी गजल सुना दूं क्या? एक मैं एक अपनी गजल, एक आध रचना कम कर दीजिएगा, आप सुनाइए अपनी रचना, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। कुछ भी हो एहसान अब लेना नहीं है। जब मैंने ये रचना लिखी थी तो
हम चीनी सामान काफी यूज करते थे, मतलब हम विदेशी सामान काफी यूज करते थे, और अब तो खैर बहुत हो गया कि चीनी सामान यूज नहीं करना है और किसी से भी अब कुछ नहीं लेना है। तो जब ये पंक्तियां लिखी थी तो इसके मन में भाव यही थे मेरे कि कुछ भी हो एहसान अब लेना नहीं है, कुछ भी हो एहसान अब लेना नहीं है, बेवजह सामान अब लेना नहीं है, कुछ भी हो एहसान अब लेना नहीं है, बेवजह सामान अब लेना नहीं है, पुराने ही हरे हरे रखे हैं अभी, पुराने ही हरे हरे रखे हैं अभी, नया कोई जख्म अब लेना नहीं है, पुराने ही हरे हरे रखे हैं अभी, नया कोई जख्म अब लेना नहीं है। इल्जाम तो हजारों लगे हैं मगर इल्जाम तो, इसके भाव बिल्कुल आप उसी से देखेगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति या जो भी कुछ है उसी उसी को उस पर लेके देखेंगे कि इल्जाम तो हजारों लगे हैं मगर, इल्जाम तो हजारों लगे हैं मगर गुनाह अब अपने सर लेना नहीं, लेना नहीं गुनाह अपने सर अब लेना नहीं है, और पार हो जाए चाहे डूब जाए भले, पार हो जाए चाहे डूब जाए भले, पतवार हाथ में अब लेना नहीं है, लेना नहीं पार हो जाए चाहे डूब जाए भले, पतवार हाथ में अब लेना नहीं है, लेना नहीं। और स्याही साफ सूफ कलम धुली धुली, स्याही साफ सूफ कलम धुली धुली, अक्षरों पे दाग अब लेना नहीं है, वाह वाह वाह, स्याही साफ सूफ कलम धुली धुली, अक्षरों पे दाग अब लेना नहीं है, और कुछ भी हो एहसान अब लेना नहीं है, बेवजह सामान अब लेना नहीं है, बेवजह सामान अब लेना नहीं। बहुत चलिए सर, तो बहुत, आज की आपकी बात रखते हुए बहुत अच्छा, मेरी इस गजल के साथ में बढ़िया हम आप इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम फिर जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में और हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हल्की फुल्की फुहारें। बढ़िया, धन्यवाद सर। और आखिरी में मैं एक बार फिर अगर मैंने चंदू सर का आभार व्यक्त नहीं किया तो ये कार्यक्रम थोड़ा अधूरा रहेगा, हालांकि हमारा इन BCN और सिटी न्यूज चैनल तो है ही इसमें मेन हमारे वो, लेकिन कंसेप्ट जिसका था ये और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज यहाँ शुरू करने की हमें प्रेरणा दी या जिस कार्यक्रम का शुरू करवाया, तो मैं उनका भी दिल से आभार मानती हूँ, डॉक्टर चंदू सुजतिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा जिसका नाम है हल्की फुल्की फुहारे। धन्यवाद सर, नमस्कार, की ओर से भी आभार, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।